पढ़ी लिखी और गंवार बहू का एक ससुराल। सुष्मिता बहन, अब तो तू बहुत खुश होगी, तेरे घर में दो दो बहू जो आ गई हैं। अब तो दोनों बहू ने मिलकर घर के सभी कामों को अच्छे से संभाल लिया होगा। तुम क्या बात कर रही हो, मेरी दोनों बहू? अरे दोनों में से सिर्फ एक ही बहू समझदार और पढ़ी लिखी है, बाकी बड़ी बहू की मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी जो मैंने उससे अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी। इतनी गंवार है कि हर रोज कोई ना कोई कांड कर ही जाती है। आज ही पता नहीं क्यों घर के अंदर शांति है। ऐसा क्या कर दिया तेरी बड़ी बहू ने? अरे हर रोज एक तूफान खड़ा हो जाता है। तभी अचानक से घर की वॉशिंग मशीन के अंदर बहुत तेज खटपट होने की आवाज आती है। देखा बहन, मैं तो बोल ही रही थी कि रोजाना कोई ना कोई तूफान आ ही जाता है। अब पता नहीं कौन सा तूफान आया है इस घर के अंदर। जाकर देखती हूँ, तुम यहीं बैठो। सुष्मिता ऐसा कहकर वॉशिंग मशीन के पास जाती है, जहाँ पर वॉशिंग मशीन बहुत बुरी तरह हिल रही होती है। उसके अंदर घर के सारे बर्तन होते हैं, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन बहुत ज्यादा आवाज कर रही होती है। हाय रब्बा, ये क्या हो रहा है? वॉशिंग मशीन इतनी आवाज कर रही है, ये घर के बर्तन इसके अंदर किसने डाले हैं? तभी वहाँ पर गुंजन आती है और वह अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी परेशान क्यों हो रही हो? मैंने ही वॉशिंग मशीन के अंदर बर्तन डाले हैं, अभी देखना कैसे चकाचक होकर बाहर निकलेंगे। बहू, तू कहीं बौखला तो नहीं गई है? कपड़े धोने की मशीन के अंदर बर्तन धोने के लिए कौन डालता है? तूने तो बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया हमारा। तुझे पता है ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है और बहुत महंगी भी है। अब मैं तुझे क्या ही समझाऊं? तेरी छोटी बहन कहाँ है, उसे जल्दी से बुला। तभी वहाँ पर श्वेता आती है। आ गई बहू रानी तुम? अरे अपनी बड़ी बहन को समझाती क्यों नहीं हो, जब देखो रोजाना घर के अंदर कोई ना कोई नुकसान करती रहती है। कल फ्रिज के अंदर कपड़े सूखने के लिए रखे थे, तो आज वॉशिंग मशीन के अंदर बर्तन धोने के लिए डाल दिए। ऐसे कौन करता है? इतना गवारपना तो मैंने आज तक किसी लड़की के अंदर नहीं देखा। माँ जी, इसमें मेरी ही गलती है। दरअसल मैंने ही दीदी को ये कहा था कि हम इसके अंदर कुछ भी धो सकते हैं, बस ये बताना भूल गई थी कि कपड़ों से रिलेटेड हम वॉशिंग मशीन में कुछ भी धो सकते हैं। श्वेता की बात सुनने के बाद सुष्मिता को अपनी बड़ी बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांट कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद श्वेता जैसे तैसे करके वॉशिंग मशीन का बटन बंद करती है और सभी बर्तन उसके अंदर से बाहर निकालती है। आधे से ज्यादा बर्तन तो टेढ़े हो चुके थे। दीदी आपने क्या कर दिया, जरा देखो इन बर्तन की हालत, ये सारे बर्तन तो टेढ़े हो गए हैं। अरे बहन, मुझे लगा ये हर एक चीज धोने की मशीन, मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर केवल कपड़े ही धो सकते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, अपनी गलती को कैसे सुधारूं? गुंजन का किया धरा श्वेता को सुधारना पड़ता है। जिसके बाद श्वेता अपनी बहन को खाना बनाने के लिए कहती है, दीदी आप एक काम करो, आप खाना ही जाकर बना लो, घर के बाकी सारे काम मैं कर लूंगी। गुंजन खाना बनाने रसोई में पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपने मन ही मन सोचती है, घर में सब्जियां तो है ही नहीं, अब मैं क्या करूं, केवल दाल और आलू रखें। एक काम करती हूं, दाल के साथ आलू बना देती हूं, वैसे भी बड़े बड़े लोगों को अतरंगी खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। गुंजन दाल के साथ आलू बना देती है और थोड़े से चावल भी उबाल देती है। जब वो ये सब खाने की टेबल पर लाकर रखती है तो दाल के साथ आलू देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। भाभी, ये आपने क्या बनाया है? इस दाल के अंदर तो आलू भी है, दाल के साथ कभी भी आलू नहीं बनाए जाते। विक्रम ये हरकत देखने के बाद गुस्से से आग बबूला हो जाता है। घर के कामों में तो ये सब चल ही रहा था, लेकिन अब देखो घर में खाना भी हमें इस तरह खाना होगा। क्या तुम सच में इतनी गवार हो कि तुम्हें इतना नहीं मालूम दाल के अंदर आलू नहीं डालने चाहिए? मुझे तो लगा था कि आप लोगों को ये अतरंगी खाना बहुत पसंद आएगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। विक्रम खाने की टेबल पर जोर से हाथ मारता है और उठ खड़ा होता है। पता नहीं क्या सोचकर माँ आपने मेरी शादी इस गवार लड़की से करवा दी, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे अच्छा होता कि मैं जिंदगी भर कुंवारा ही रहता, आज के बाद मैं इस घर के अंदर कभी खाना नहीं खाऊंगा। विक्रम ऐसा कहकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने पहुंच जाता है और इधर विक्रम का ऐसा बर्ताव देखकर गुंजन को बहुत बुरा लगता है। तभी श्वेता खुद से अच्छा खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है और कहती है, मैंने आप सभी के लिए खाना बनाया है, इसे खाकर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। श्वेता के हाथों का खाना सभी लोग बहुत स्वाद से खाते हैं, जिसके बाद वो सभी अपने कमरों में चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद बेचारी गुंजन अपनी बहन श्वेता से कहती है,
कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ वो हमेशा बुरा ही क्यों हो जाता है। श्वेता बहन, मैं अपने परिवार में सभी को खुश करने के लिए क्या करूँ? चिंता मत करो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, अभी आपकी सभी को आदत नहीं है, लेकिन कुछ दिनों में सभी को आपकी आदत हो जाएगी। ऐसे ही श्वेता भी अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं गुंजन भी अपने कमरे में पहुंच जाती है जहां विक्रम सोफे पर सो रहा होता है। लगता है मेरे गवारपन की वजह से मेरे पति कभी मेरे करीब नहीं आएंगे, ऐसा सोचकर गुंजन चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह सुबह गुंजन घर के सभी काम अच्छे से करती है और सारे कपड़े ले जाकर धोने लगती है। ये देख सुष्मिता को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में विक्रम अपना लैपटॉप ढूंढता हुआ उसके पास आता है। माँ, मुझे मेरा लैपटॉप नहीं मिल रहा, कहाँ है? कहीं आपने कहीं उठा कर तो नहीं रख दिया? नहीं बेटा, मैंने तेरा लैपटॉप कहीं नहीं रखा, बल्कि मैं सुबह सुबह गुंजन के हाथ में तेरा लैपटॉप देख रही थी। फिलहाल तो वो कपड़े धोने गई है, कपड़े धोने के बाद तुम उससे अपने लैपटॉप के बारे में पूछ लेना। सुष्मिता ऐसा कहने के बाद मंदिर के लिए निकल जाती है और विक्रम फौरन अपनी पत्नी गुंजन के पास पहुंच जाता है, जहां वो एक पानी की बाल्टी के अंदर अपनी पत्नी गुंजन को लैपटॉप धोते हुए देखता है। दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम ये क्या कर रही हो? हे भगवान, तुमसे तो मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। पता है ये लैपटॉप कितने लाख रुपए का है? तुमने एक सेकंड में इसे कचरे के भाव बना दिया है। अजी, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? ये लैपटॉप बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था, इसके अंदर धूल मिट्टी घुसी हुई थी। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस लैपटॉप को धो दिया। क्या मैंने कुछ ज्यादा गलत कर दिया? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा गलत कर दिया। लाखों रुपए की चीज को तुमने एक माचिस की तिल्ली से जला दिया। अब मैं तुम्हें क्या ही बोलूं, मेरी नजरों के सामने दिख मत जाना। विक्रम ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है और बेचारी गुंजन उदास हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता, तभी वहां उसकी बहन श्वेता आती है और ये सब देखकर वह लैपटॉप को रिपेयरिंग के लिए भिजवा देती है। वहीं गुंजन अपने मन में अपनी बहन को देखकर सोचती है, अगर मैं अपनी बहन की तरह ही पढ़ी लिखी लड़कियों में से होती, कम से कम मुझे मेरे ससुराल में इतनी जिल्लतें तो सहन नहीं करनी पड़ती। इधर गुंजन ऐसा सोच रही होती तो उधर विक्रम फुल तेजी से गुस्से में होकर अपनी कार चला रहा होता है। चलते चलते उसके सामने एक बहुत बड़ा ट्रक आ जाता है, जो कि विक्रम का इस ट्रक से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके चारों तरफ खून ही खून होता है। वहां के लोग मिलकर विक्रम को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। इसके बाद विक्रम के एक्सीडेंट की खबर उसके घर पर भी पहुंचवा देते हैं। इसी के चलते पूरा परिवार फौरन अस्पताल में जमा हो जाता है। नर्स, नर्स, मेरे पति कहाँ है? क्या उनके सर पर चोट लगी है? क्या खून ज्यादा बह गया? उनकी हालत तो ठीक है ना? एक्सीडेंट के दौरान आपके पति का बहुत ज्यादा खून बह गया है, जिसके चलते खून की कमी हो गई है। हमें उन्हें ब्लड चढ़ाना होगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके ब्लड का इंतजाम कीजिए। विक्रम के ब्लड से ना तो उसके भाई का ना ही उसकी माँ का ब्लड मैच होता है। उसका ब्लड केवल गुंजन के ब्लड से ही मैच होता है, जिसके चलते गुंजन अपना खून देकर अपने पति विक्रम की जान बचाती है। जब इसके बारे में विक्रम को पता चलता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह गुंजन से माफी मांगता है। तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, हमेशा गवार समझकर तुम्हें पत्नी का दर्जा कभी नहीं दिया। मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करूंगा और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, गवार से पढ़ा लिखा बनाऊंगा। ऐसा कहकर विक्रम गुंजन को गले से लगाता है। जैसे ही वह ठीक होकर वापस घर आता है, वह अपनी गवार पत्नी गुंजन को पढ़ाना लिखाना शुरू कर देता है, जिसके चलते गुंजन पढ़ लिख कर बहुत ज्यादा समझदार हो जाती है और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करने लगती है, जिसके बाद वह अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। अरे बहू नंदिनी, तुमने अभी तक घर का काम नहीं किया। तुम्हें पता है ना, कुछ दिनों में दिवाली आने वाली है और दिवाली से एक दिन पहले धनतेरस भी है। देखो, मैं चाहती हूँ घर की साफ सफाई अच्छे से हो और सही समय पर हो जाए। हाँ हाँ, आप तो हमेशा हुक्म चला देती हो। मैंने आपको कहा था कि मेरे लिए देवरानी ढूंढ लो, लेकिन आप हो कि मेरी एक नहीं सुनती। इस घर के काम कर करके मैं थक गई हूँ। अरे बड़ी बहू, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम भी तो समझो, मुझे तुम जैसी सुशील संस्कारी बहू चाहिए। ऐसी बहू आजकल बहुत ही मुश्किलों से मिलती है। हाँ हाँ, सही कह रही हूँ माँ जी। अब मैं भला आपके सामने कुछ कह ही क्या सकती हूँ। नंदिनी ऐसा बोलने के बाद अपने काम करती रहती है, जिसके बाद चंद्रकांता पूजा की थाली लेकर मंदिर में पहुंच जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक सफना नाम की लड़की से होती है। अरे आंटी, आप मंदिर की लाइन में धक्का दे देकर आगे बढ़ रही हो,
थोड़ा सा तसल्ली रखो, सभी को दर्शन करने हैं। जैसे ही चंद्रकांता सपना के पहनावे को देखती है, वो उससे कहती है, अरे हम इस मंदिर की लाइन में लगे हैं क्योंकि ये हमारे धर्म का मंदिर है। हम चाहे धक्का मार के जाएं या फिर आराम से जाएं, ये हमारी परेशानी है। लेकिन मुझे तुम बताओ, तुम एक मुस्लिम होकर इस मंदिर में क्या करने जा रही हो? ऐसा कहां लिखा है कि हिंदू लोगों के मंदिर में केवल हिंदू लोग ही जा सकते हैं? देखिए, मेरे लिए सभी भगवान एक समान है और मैं सभी भगवानों को मानती हूँ और अपने अल्लाह को भी। इसीलिए मैं भगवान के दर्शन करने अंदर जा रही हूँ। चंद्रकांता को सपना का ये एटीट्यूड जरा भी पसंद नहीं आता, जिसके चलते वो उसे पब्लिक का सहारा लेकर मंदिर से बाहर करवा देती है। सपना को ये बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो वहां से अपने बॉयफ्रेंड विक्की से मिलने एक कैफे में जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आता आजकल की औरतों को क्या हो गया है, पता नहीं कौन से घमंड में रहती हैं। अरे अगर मैं मुस्लिम हूं तो क्या मैं मंदिर में नहीं जा सकती? ये तो बहुत गलत बात है। हो सकता है कुछ औरतें इस तरह का बर्ताव करती हों, लेकिन मेरी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। देखना तुम्हें भी बहुत प्यार करेगी मेरी माँ। सपना विक्की के मुंह से ये बातें सुनकर उससे कहती है, बहुत हुआ, अब हम इस तरह और छुप छुप कर नहीं मिलेंगे। देखो बहुत अच्छा अवसर आ रहा है, दिवाली, और दिवाली के समय हर इंसान अपने गिले शिकवे मिटाकर खुशियों को अपनाता है। मैं तो कहती हूँ अभी वक्त है, हम दोनों शादी कर लेते हैं, तुम्हारी माँ भी आराम से मान जाएंगी। विक्की सपना से बहुत प्यार करता था, जिसके चलते वो उसकी बात मान लेता है और वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद विक्की सपना से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है, जहाँ अपने बेटे के साथ एक मुस्लिम लड़की को देखकर चंद्रकांता कहती है, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है बेटा? कहाँ से लेकर आया है तू इस मुस्लिम लड़की को? जहां से भी तू लेकर आया है इसे वहीं छोड़ा, ये इस घर की बहू तो कभी नहीं बन सकती। और ये वही लड़की है जिसे आज ही मेरी बहस हुई थी, इसे तो मैं किसी भी कीमत पर अपने घर की बहू नहीं बनने दूंगी, इसे तो बड़ों की इज्जत तक करना नहीं आता। देखिए मैंने वहां आपके साथ लड़ाई शुरू नहीं की थी, मंदिर में जाने का हक सभी को है, लेकिन आपने मुझे मंदिर से बाहर ही निकलवा दिया। क्योंकि तुम एक मुस्लिम लड़की हो इसीलिए। अरे माँ आप कौन से ख्यालों में घूम रही हो, अरे आज के जमाने में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, आप इतनी सी बात समझ नहीं रही हो। तो इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से ले जा, मैं इस लड़की को नहीं देखना चाहती अपनी आंखों के सामने। सपना अब मेरी पत्नी है, अगर आपके इस घर में सपना के लिए कोई जगह नहीं तो फिर मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है, मैं सपना के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। विक्की ऐसा कहकर सपना का हाथ पकड़ता और वहां से जाने लगता है। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जाते हुए देख चंद्रकांता से रहा नहीं जाता और वो उन्हें रोक लेती है। बेटा दिवाली आने वाली है, मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार बिखर जाए, जैसा तू चाहता है मैं इसे इस घर की बहू बना दूंगी, लेकिन मेरी नजरों में ये कभी बहू का दर्जा नहीं ले पाएगी, तुम दोनों इस घर में अब आ सकते हो। तभी सपना विक्की के कानों में कहती है, चिंता मत करो, मैं माजी का दिल जीत लूंगी और एक दिन वो हमें अपने मन से स्वीकारेंगी। सपना की बात मानकर विक्की उसे घर के अंदर ले आता है, लेकिन अगले ही दिन से चंद्रकांता अपनी हिंदू बहू से तो घर के कोई भी काम नहीं करवाती, बल्कि सपना को घर की पूरी साफ सफाई करने का हुक्म देती है। बहू बनने का तुम्हें बहुत ज्यादा शौक है ना, चलो बहू का फर्ज निभाओ और दिवाली आने से पहले घर की सारी साफ सफाई तुम अकेली करोगी और कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। चंद्रकांता का यह चैलेंज भी सपना बहुत अच्छे से मान लेती है, जिसके बाद वो घर की बहुत अच्छे से साफ सफाई करती है। और जब वो मंदिर साफ करने जाती है तो वहां चंद्रकांता उसे रोक लेती है। कल धनतेरस है और तुम उससे पहले हमारे मंदिर को अपवित्र करना चाहती हो। अरे मंदिर से दूर ही रहना, मंदिर के पास मुझे तुम जरा भी नहीं दिखनी चाहिए। नंदिनी जाओ तुम मंदिर की साफ सफाई अच्छे से करना। चंद्रकांता ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद सपना नंदिनी से कहती है, जीठानी जी क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? दिवाली का त्योहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन ये धनतेरस क्यों मनाया जाता है? ओहो तुम्हें ये नहीं पता, रुको मैं बताती हूँ। दरअसल कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था, यही कारण है कि धनतेरस को भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। और तुम्हें पता है कल धनतेरस वाले दिन माँ जी सोने चांदी और पीतल की बहुत सारी चीजें खरीदेंगी, ये खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अच्छा ऐसी बात है, तो क्या मैं भी इस पूजा में शामिल हो सकती हूँ? हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकती हो, हाँ हाँ जरूर होना, ताकि माँ जी तुम्हें बेइज्जत करके सभी के सामने से भेज दें। बहुत मजा आएगा।
नंदनी ऐसा सोचकर चुपचाप मंदिर साफ करने लगती है। अगले दिन जब धनतेरस की पूजा की जा रही होती है, चंद्रकांता बहुत खुश होती है। तभी सपना तैयार होकर पूजा में शामिल हो जाती है। ये चंद्रकांता को जरा भी पसंद नहीं आता और वो उसी समय उसका हाथ पकड़कर पूजा से उठकर वहां से उसे ले जाती है और गुस्से से उससे कहती है, कितनी बार मैंने कहा है कि हमारी पूजा पाठ की चीजों से दूर रहा करो, क्या तुम्हारे कानों में मेरी आवाज समझ नहीं आती? अब हमारी धनतेरस की पूजा को भी भंग करना चाहती हो? कान खोलकर सुन लो, तुम पूजा में नहीं आओगी, यहीं रहना। चंद्रकांता ऐसा कहकर चली जाती है। सपना बेचारी बहुत उदास होती है। पूजा संपन्न होने के बाद चंद्रकांता अपनी बहू नंदिनी के साथ धनतेरस के लिए शॉपिंग करने पहुंच जाती है, जहां वो उसको सोने की बहुत सारी ज्वेलरी दिलाती है। जब वो वापस घर लौट रहे होते हैं तो इसी दौरान चंद्रकांता का सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें चंद्रकांता को सर पर गहरी चोट और काफी अंदरूनी चोटें लगती हैं। ये देखकर नंदिनी वहां से भाग जाती है और उसकी मदद तक नहीं करती। लेकिन इस समय सपना वहां पहुंच जाती है और सही समय पर चंद्रकांता को अस्पताल में पहुंचा देती है, जहां चंद्रकांता को खून की कमी और अंदरूनी कमजोरी हो जाती है तो सपना ही अपना खून उसकी जान बचाने के लिए देती है। डॉक्टर साहब, मुझे यहाँ कौन लेकर आया? आपको यहाँ आपकी बहू लेकर आई है। अच्छा हुआ जो उसने आपको सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो आज आपकी जान को कुछ भी हो सकता था। उसी ने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। लेकिन मेरी बड़ी बहू तो मुझे देखकर वहां से भाग गई थी। तभी सपना आती है। माँ जी, आप ठीक तो हो ना? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? सपना को देखते ही चंद्रकांता को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी जान बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी मुस्लिम बहू ही थी, जिसके चलते चंद्रकांता अपनी मुस्लिम बहू सपना से माफी मांगती है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसके बाद भी तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। आप मेरी माँ जैसी हो, आप मुझसे माफी मत मांगो। मैंने जो किया अपना धर्म निभाने के लिए किया, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म का इंसान हो, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर चंद्रकांता बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो अगले धनतेरस वाले दिन अपनी मुस्लिम बहू को खूब सारे सोने के गहने और पीतल के बर्तन दिलाती है और धनतेरस के त्योहार और दिवाली के त्योहार को वो अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे से मनाती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।